दोस्तों वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों आज मैं आपको बताने वाला हूँ पिटूनिया को कटिंग के थ्रू कैसे ग्रो करते हैं। सबसे पहले दोस्तों आपको अपने प्लांट में से एक छोटी सी कटिंग लेनी होगी। देखिए दोस्तों मैंने इतनी छोटी सी एक कटिंग काट ली है अभी अपने पिटूनिया के प्लांट से, और बस आपको इसे सैंड में लगा देना है। देखिए दोस्तों ये सैंड है, ये केवल सैंड है। आपको इसमें इसको अपनी कटिंग ऐसे बिना किसी रूटिंग हार्मोन के, मैं आपको वीडियो बना के दिखा रहा हूँ दोस्तों, इसमें कोई भी रूट हार्मोन का मैंने यूज़ नहीं किया, बस आपको अपनी कटिंग को ऐसे लगा देना है। और दोस्तों 15 दिन में आप इसका रिजल्ट देखेंगे। दोस्तों मैं आपको अपनी कटिंग दिखाना चाह रहा हूँ, ये देखिए एक मेरी ये छोटी सी कटिंग लगी थी। ये देखिए दोस्तों ये इसका 15 दिन का रिजल्ट है दोस्तों, और काफ़ी अच्छा रिजल्ट है। इसको मैं सही से दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, एक मिनट दोस्तों। ये देखिए ये जो इसकी रूट्स हैं डेवलप हो चुकी हैं, देखिए दोस्तों इसमें रूट्स आ गई हैं। और ये छोटी सी कटिंग थी मेरी, इसमें देखिए काफ़ी अच्छी रूट्स आई हुई हैं, देख सकते हैं दोस्तों। ये 15 दिन का रिजल्ट है मेरा, काफ़ी अच्छी ग्रोथ हुई है। मैं इसे रिपोर्ट कर लूँगा आज। जब आप अपनी कटिंग को सैंडी सोयल में लगाते हैं, केवल सैंड में लगाया था मैंने, सैंडी सोयल का तो यूज़ ही नहीं किया मैंने दोस्तों। ये पूरी प्योर सैंड है, इसमें मैंने देखिए कुछ पैंसी की कटिंग भी लगाई हुई है, और एक ये पिटूनिया कटिंग जो अभी मैंने लगाई है, और दोस्तों एक ये मेरी जो कटिंग है जो ग्रो हुई है, इसका रिजल्ट भी आप देख सकते हैं, काफ़ी अच्छा रिजल्ट आया है। और ये मेरी पर्पल और पिंक कलर में जो पिटूनिया निकलता है, जो पहले पर्पल और फिर बाद में पिंक हो जाता है, उसकी कटिंग है। और मैंने इसकी एक और कटिंग आज लगाई है, आपको दिखाई है दोस्तों, काफ़ी अच्छा रिजल्ट मिलता है। आप भी ऐसे ही ग्रो कर सकते हैं, और फ्री में ही काफ़ी प्लांट क्रिएट कर सकते हैं आप, अपने प्लांट फ्री में ही अच्छे से ग्रो कर सकते हैं। चलिए दोस्तों बिना भी देर किए इसको मैं रिपोर्ट कर लेता हूँ, नहीं तो ये मेरी कटिंग ख़राब हो जाएगी। देखिए दोस्तों मैंने अपनी कटिंग को छोटे से पॉली बैग में लगा दिया है, और ये कुछ दिन में काफ़ी बड़ी होने लगेगी और ग्रोथ पे आ जाएगी। इसमें मैंने अभी कोई ज़्यादा फर्टिलाइज़र नहीं डाला है, बस इसमें काऊ डंग का मिक्सचर है जो थोड़ा सा मैंने डाल दिया था, ताकि इसकी ग्रोथ अच्छी हो सके। और इसमें सोयल थोड़ी सी है और सैंड है, जिससे कि इसकी जो रूट्स है काफ़ी अच्छी डेवलप हो सके। दोस्तों आप भी ऐसे ही अपने घर पे कटिंग उगाते रहिए और नए नए प्लांट बनाते रहिए। तो अगर आज का वीडियो आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और मेरे चैनल पे न्यू है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा, जिससे कि आपको आने वाली नोटिफिकेशन मिलते रहे। थैंक यू दोस्तों।